मुझे भी तो धोखा मिला है। मुझे लगा तुम फल बेचते हो तो तुम्हारे पास भाग भी होगा, लेकिन तुम सड़क पर फल बेचने वाले एक आम इंसान निकले। हमें एक दूसरे को ऐसे दोष देना अब बंद करना होगा नीता। मुझे एक हैंड रोलर मिला है, हमें किसी ना किसी तरह इसे इस्तेमाल करना चाहिए। तुम कुछ सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। नीतू और नरेश बहुत ही अच्छे पति पत्नी है और कभी कभी एक दूसरे के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं, सिर्फ अपने बुरे वक्त को कुछ समय के लिए भूलने के लिए। काफी देर और काफी दिनों तक सोचने के बाद भी नरेश और नीता को उस रोलर को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए समझ में नहीं आता है। लगता है ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसे शहर ले जाओ और किसी को बेच दो। मैं भी यही सोच रहा था नीता, अब तुम्हें भी कह दिया है तो इसे बेच कर ही आता हूँ। ऐसे कहते हुए नरेश उस रोलर को ले जाकर शहर में बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले उसे कुछ ऐसा दिखता है कि नरेश का मन बदल जाता है। ये आप क्या कर रहे हो? मेरे पास भी एक ऐसा ही रोलर है, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी तरह से। तुम तो बेवकूफ ही हो और अंधा भी लग रहे हो। मैं इस रोलर के अंदर बर्फ भरकर बाहर से उस पर सारे स्वादिष्ट फल लगाकर आइसक्रीम बना रहा हूँ और बेच रहा हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर और देखकर नरेश हैरान हो जाता है, इसलिए वो उस रोलर को बेचने के बजाय वापस घर लेकर जाता है। वो देखकर नीता, मुझे पता था तुमसे ये काम भी नहीं होगा, मैंने तुम पर यकीन ही क्यों किया। ऐसी बात नहीं है नीता, पहले मेरी बात तो सुन लो। ऐसे कहते हुए नरेश अपनी पत्नी को वो सारी बात बताता है जो उसने देखा था। वो सुनने के बाद नीता को भी ठीक ही लगता है। ऐसे वो दोनों पति पत्नी मिलकर अगले दिन से उस रोलर को इस्तेमाल करके आइसक्रीम बनाने का काम शुरू करते हैं। नीता, तुम इस रोलर को घूमती रहो, मैं इस पर एक एक करके सारे फल लगाता हूँ, ऐसे काम बहुत जल्दी खत्म होगा। आहा, तुम मुझे जितनी बुद्धू समझते हो, मैं उतनी बुद्धू हूँ नहीं नरेश। तुम रोलर घुमाओगे और मैं फल लगाऊंगी। ऐसे दोनों पति पत्नी मिलकर पहले उस रोलर में बर्फ भरकर उसके ऊपर से कुछ स्वादिष्ट फल लगाकर 30 रुपए में एक कप आइसक्रीम बेचने लगते हैं। ये आइसक्रीम बनाने और बेचने का बहुत ही अलग तरीका लग रहा है। मुझे और मेरी बेटी के लिए एक एक कप आइसक्रीम दो। नरेश उस महिला को 2 कप आइसक्रीम उस रोलर से निकल कर देता है। उस आइसक्रीम का स्वाद उन दो माँ बेटियों को बहुत पसंद आता है और वो नरेश की बहुत तारीफ करते हैं। ये सब मैंने बनाया है और आप तारीफ इस इंसान की कर रहे हो, बहुत दुख की बात है। दोबारा जरूर आना और अगली बार मेरी तारीफ करना। वो महिला और उसकी बेटी नीता की बात पर मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे तब से नीता और नरेश का तेला एंग्री बर्ड्स आइसक्रीम के नाम से मशहूर होता है। वहाँ पर आने वाले सभी लोग नीता से बात करते हैं और उसे नरेश को डांटते हुए देखकर मजे लेते हुए आइसक्रीम खाकर वहाँ से चले जाते हैं। शकल देखकर तो नरेश जी ही ज्यादा मेहनती लगते हैं नीता जी। ऐसे मत कहो तुम लोग,
वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन मन ही मन में काफी लड्डू फूटते हैं उनके। नीता और नरेश इन बातों को सिर्फ मजाक तक ही रखते हैं। और ऐसे जीवन साथी हो तो भला कोई नाराज भी कैसे हो सकता है। ऐसे उस हैंड रोलर आइसक्रीम के तेले के बाद नीता और नरेश कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक होशियार और दूसरे चालाक। होशियार लोग खुश रहना जानते हैं और चालाक लोग सिर्फ कुछ समय के लिए खुश रहना जानते हैं। रंगा चालाक लोगों में से एक है। यार अभी ये लोग सिनेमा में कभी चांद पर चले जाते हैं और कभी ब्रह्मांड में, कहीं पर भी चले जाते हैं। वो लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं? तू सच में बुद्धू है रे मेरे भाई। वो लोग सच में चांद पर नहीं जाते हैं। वो सब चांद के जैसे सेट बनाकर सिनेमा बनाते हैं। लेकिन वो सब कितना असली लगता है ना? क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भी एक नकली चांद को असली चांद की तरह बना सकते हैं? ऐसे रंगा के मन में कई सारे सवाल उठते हैं और अभी उन सारे सवालों के जवाब देता है। उसके जवाब सुनने के बाद रंगा के मन में एक ख्याल आता है, एक बहुत ही गलत ख्याल। रंगा गांव से बहुत दूर एक खाली जगह पर एक बहुत ही बड़ा चांद जैसा लगने वाला सेट बनाता है और अपने घर को एक साइंस लैब की तरह बनाता है। सब सेट हो गया, अब बस गांव वालों को इस बात की खबर देनी होगी। ऐसे कहते हुए गांव में जाकर सबको ऐसे बताता है। सुना गांव वालों, मैं रंगा रंगनाथ का बेटा चांद पर अपना एक गांव बना रहा हूँ और बहुत ही कम दाम में वहाँ की जमीन बेच रहा हूँ। वहाँ पर धनवान हो या गरीब, सब अपने लिए घर बना सकते हैं। रंगा गांव भर में ऐसे कहते हुए फिरता है। कुछ दिनों बाद चांद पर घर बनाने के लिए सोच रहे लोग रंगा से मिलने के लिए आते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन चांद तो इतने दूर है, हम वहाँ तक कैसे जाएंगे? और हमारा सब कुछ तो इस धरती से जुड़ा है, कोई काम है तो वापस कैसे आएंगे? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है तिजोरी जी। चांद पर आने और जाने के लिए मैं अपने ही घर में एक मशीन बनाई है, उसे टेलीपोर्टिंग मशीन कहते हैं। आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए सोना है और आप वहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे कहते हुए रंगा गांव वालों को पूरी तरह से यकीन दिलाता है कि वो उन्हें चांद पर ले जाकर एक अच्छा भविष्य देगा। जब कुछ लोग चलने के लिए मान जाते हैं, रंगा उन्हें अपने घर में ले जाकर कुर्सियों पर बैठा देता है। जैसे ही उनकी आंख लगती है, सबको उन्हें कुर्सियों के साथ उठाकर ले जाकर अपने चांद के सेटअप पर बैठा देता है। उठ जाओ, और कब तक सोते रहोगे? चांद देखे बिना ही वापस जाना चाहते हो क्या? ऐसे कहते हुए रंगा सबको उठा देता है और ऐसा कहता है, ये जो बॉर्डर दिख रहा है, इतने में ही अपनी जमीन का कोई हिस्सा पसंद कर लो। उसके आगे का हिस्सा सिनेमा में काम करने वाले लोगों का है। अरे वाह, सिनेमा में काम करने वालों का, मुझे भी उस बॉर्डर के पास वाले जमीन ही चाहिए। और मुझे भी, मुझे तो 4 प्लॉट चाहिए। अब से ही पैसे देने को तैयार हूँ। ऐसे कहते हुए सभी लोग पैसे देकर
उस चांद पर जमीन खरीद लेते हैं और वहाँ से वापस आने के बाद पूरे गांव में शान से हमने चांद पर जमीन खरीदी है कहते हुए फिरते हैं। मुझसे तुम सब थमी सही बात करो, मैं चांद पर जमीन खरीदी है, वो भी सिनेमा बनाने वाले लोगों के घर के पास। उन लोगों की बातें सुनकर हंसते हुए अभी उनके पास आकर ऐसे कहता है, तुम लोगों ने चांद पर घर कैसे ले लिया? और सबसे बड़ी बात, तुम सब चांद तक पहुंचे कैसे? ये मत कहना कि मजा ड्रीम्स टीवी वालों से जादुई रस्सी उधार ली है। तब उन सब का मजाक उड़ा रहे अभी को चुप करवा कर सारी बात बताते हैं लोग और कहते हैं कि वो मूर्ख है जो उनका मजाक उड़ा रहा है। तब अभी, मूर्ख मैं नहीं तुम लोग हो, और उस रंगा भी तुम्हारा मूर्खता का पूरा फायदा उठाया है। कल तक जो गोबर साफ करता था वो अचानक से चांद का मालिक बन गया। चलो मैं भी मानता हूँ कि तुम चांद पर चले भी गए, लेकिन वहाँ पर तो सांस लेने के लिए भी हवा तक नहीं है। तुम लोग जिंदा लौट कर आ गए। अभी की बातें सुनने के बाद सबको समझ में आ जाता है कि उन्हें बहुत बुरी तरह से बेवकूफ बन गया है, और सब जाकर रंगा की खूब पिटाई करवा कर सारा सच जानकर अपने पैसे वापस ले लेते हैं।